हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टेक्निकल ज्ञान। फर्स्ट टेक्निकल ज्ञान में आज बात करेंगे अर्थिंग सिस्टम क्या है, जिसमें लिखा है टीटी। मींस टीटी अर्थिंग सिस्टम क्या है। तो जैसा कि जो इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट हैं, जो इंजीनियरिंग फील्ड से लोग हैं, उन्हें ये तो पता है कि अर्थिंग डिफरेंट टाइप का होता है, TNS, TNC, TNB, TT, NIT। तो इनमें जो डिफरेंट फॉर्म है अर्थिंग की, किस तरह से अर्थिंग की जाती है, उनमें टीटी अर्थिंग सिस्टम क्या है, उसके बारे में आज बात करते हैं। तो जो टीटी अर्थिंग सिस्टम है फ्रेंड्स, अर्थिंग का तो बेसिक वर्क ही यही है कि कोई भी स्टैटिक चार्ज अगर हमारे जो इक्विपमेंट है जिसको हमने अर्थ कर रखा है, जो लाइव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जिसको अर्थ किया, अगर उसकी बॉडी पे कोई चार्ज आता है तो वो क्या हो, उस अर्थिंग के थ्रू, उस रूट के थ्रू क्या है, ग्राउंड हो जाए वो, इसलिए अर्थिंग की जाती है। अब स्पेशली अगर बात करें टीटी अर्थिंग की, तो टीटी अर्थिंग का मतलब ये है कि जब भी, जैसा भी, सपोज मैं एक एग्जांपल की बात करूं, जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि एक जनरेटर का या ट्रांसफार्मर है, उसको अर्थ कर दिया गया है, उसके जो RYB एंड फेस जा रहे हैं किसी पैनल पे, किसी मेटालिक पैनल पे जो फेस जा रहे हैं, जहाँ पे जो अपरेटस लगा है, सपोज MCC भी लगा है, MCB लगा है, जहाँ ABC, RYB तीनों फेस और न्यूट्रल गए हुए हैं, उस मेटालिक स्ट्रक्चर को भी अर्थ किया गया है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जहाँ से हमारा एक तो सोर्स है और दूसरा हमारा जो इक्विपमेंट है जहाँ पर हमारा कंज्यूमर उसको यूज कर रहा है, तो एक तो सोर्स को अर्थिंग कर दिया गया है, दूसरा जो कंज्यूमर यूज कर रहा है हमारा मेटालिक पैनल को, उसको अर्थ किया कर दिया गया है। तो दो के दोनों जो अर्थिंग है वो डिफरेंट लोकेशंस पे है और डिफरेंट पाथ पे है। पहला हमेशा जनरेटर, जो जहाँ से हमारा पावर का जनरेशन होता है, मीन्स ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, जनरेटर क्या कर रहा है, उस पावर को जनरेट कर रहा है, एक तो उसकी बॉडी को अर्थ कर दिया गया है, और दूसरा जहाँ पे कंज्यूमर उसको यूज कर रहा है पावर को, उसे अर्थ कर दिया गया है। तो ये जो दोनों अर्थिंग होती है डिफरेंट पाथ पे, उसे टीटी अर्थिंग सिस्टम कहते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि टीटी अर्थिंग किसे कहते हैं, किस टाइप की अर्थिंग को टीटी अर्थिंग की कैटेगरी में रखा जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नए आइडिया और नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।